कश्मीर, मौलाना मोहम्मद अली जौहर के प्रोग्राम में जो जौहर प्रोग्राम का आगाज हम तिलावत काम और तिलावत पाक से करेंगे, और मैं इनवाइट कर रहा हूँ शुजाउल्ला साहब को जो इस कुरान पाक की तिलावत Now I would request to Dr. Arshad for the welcome speech. खास तौर पे मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि वो अपनी और मुख्तलिफ हालात की वजह से शायद हम वो चीज़ ना कर पाए जो हमारा ख्वाब है, हमारे जो ऑब्जेक्टिव हैं कि हम यहाँ पे टैलेंट और रिसर्च को प्रमोट करना चाहते हैं। ये सब पाकिस्तान की अच्छी खासी आबादी कहते हैं कि 63% यूथ पर मुश्तमिल है जो 15 से 25 साल के दरमियान है। उन लोगों को हमने ये सोचा है कि उन अंदर ऐसे स्किल पैदा करें कि वो मुल्क के लिए काम कर सकें, या उनके अंदर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सलाहियत हो, कोई ऐसा टैलेंट हो तो उसको हम सपोर्ट करें, उनको सामने लेके आए, एक्सपोज आउट करें। ये हमारा एक कंटिन्यू एक हमारा ऑब्जेक्टिव है, और जो अल्टीमेट ड्रीम है हमारा वो मैंने लास्ट ने तो उस शख्सियत पे एक यूनिवर्सिटी का कायम हमें लाना है, वो हम करें या गवर्नमेंट करें, बात ये की है। उस शख्स तो हमने एक एक उस कंट्रीब्यूशन का एक हमने रिजल्ट देना है। तो ये मैं गुजारिश करूंगा कि वो अगर तक मैं मजीद आगे बढ़ूंगा, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि क्योंकि हमारी महमूदी को जाना भी है और भी लोग हैं हमारे पास, बहुत बातें हैं करने को, और बीच में हम आपको कोशिश करेंगे कुछ विजुअल भी मौलाना की पुरानी तस्वीरात का भी आप जैसे देख रहे हैं ये दिखाते रहे, और कुछ एक शायरी में कंपोज हुआ वो भी कोशिश करेंगे आपको दिखाएं। और हमारी ये ख्वाहिश थी और हमने ये सारा अरेंज किया था कि जैसे कि मौलाना शौकत के नवासे डॉक्टर राशिद साहब मौजूद हैं यहाँ पे, हमने उनकी ने यहाँ पे मदद किया था और वो बिल्कुल बहुत खुशी से आने को तैयार थी। अब ये भी पता चला कि उनके जो शौहर हैं वो भी अच्छी उम्र के हैं, 90 ईयर्स के हैं, तो वो खुद ज़ईफ़ हैं, तो वो अभी कुछ तबीयत उनकी ऐसी नासाज हुई कि वो फौरी तौर पर कुछ उनको मुश्किल लगा। दे नहीं लूँगा और फिर बल्कि दावा देता हूँ कि बकिया लोगों को और मैं कहूँगा डॉक्टर राशिद साहब से कि वो आए और कुछ डॉक्टर अरशद का बहुत कई साल से ये मैंने देखा है कि उनका जिक्र मीडिया के अंदर भी और अदरवाइज भी कम होता जा रहा है। वहाँ पर एक स्टार लगा था जिसमें जिक्र था उन लोगों का जो फाउंडिंग फादर थे पाकिस्तान के। मैंने उसमें उनके मुताबिक यू आउट ऑफ स्टॉक है, ना किसी मीडिया में आमतौर से टॉन के अंदर या टी टी वी पर भी इसका उनका तस्करा होता था। पिछले 2-3 साल से ये काफ़ी कम हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि ये उनके लिए नहीं बल्कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उनकी याद को ताज़ा करें, क्योंकि उन्होंने इन मुश्किल हालात में जो जंग आज़ादी लड़ी, जिनके फल हम यहाँ खा रहे हैं, वो बहुत ही मुश्किल तरीन हालात थे। पिछले हफ्ते मुझे एक बिजनेस सेमिनार अटेंड करने का मौका मिला, और जहां मैंने साबिन से पूछा, उनमें स्टूडेंट्स भी थे और बिजनेसमैन भी थे, कि पाकिस्तान की बिजनेस को कौन कौन से चैलेंजेस हैं और उनका क्या क्या हल हो सकता है। तो यार मैंने जब वो उनको लिखना शुरू किया तो कोई 40 चैलेंजेस बताए गए, जिसमें कहा गया नंबर 1 के भी सिक्योरिटी का इशू है, नंबर 2 इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, दुनिया की सेकेंड बड़ी इकोनॉमी है, तो हमारे पास बहुत ज्यादा है,
लेकिन टाइम पर कोई हल नहीं है, रिफ्लेक्ट करते हैं। मौलाना मोहम्मद अली चौहान, मैंने जैसे पिछली दफा कहा था, चलना के दम से नामुमकिन हो गया था। तो शाम को आए और उन्होंने वादा से कहा कि मेरे लिए कुछ, वो कहने लगी कि मेरे पास इस वक्त आपके लिए कोई नया जोड़ा हुआ बोली जिंदगी रहना, वादारियों को नहीं मिली है उसका वो टूटे ही खाएंगे। वो फिर भी वहां गए। मेरा मकसद की आज बात करने का ये है कि हमें उन लोगों को रिफ्लेक्ट कर नहीं कहता कौन सा मुल्क है इन हालात को फेस नहीं कर रहा, पैगाम दिया और जिससे समाज आ रहे हैं, यही पैगाम हमें अपनी अगली जनरेशन को देना चाहिए। कौन नहीं है मैं ऐसी नौ, टर्की में 200% इन्फ्लेशन है, हमें पासवर्ड कर रही है और नामुमकिन नहीं है, तो हमें